पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, लेकिन पप्पू यादव जी से जरूर डर गया है। मोदी जी के कठपुतली पुलिस ये लालू यादव जी को, तेजस्वी को जा रहे थे गिरफ्तार करने, लेकिन ये अंदर से मिल गए, क्योंकि इसको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ बिहार का सत्ता चाहिए। उन्होंने वहाँ पर अररिया में ये भाई भाई को लड़ा दिया, उन्होंने पूर्णिया में पूर्णिया के जनता को पीठ में छुरा भोंक करके बिहार में मल्ला की संख्या सहनी की संख्या 2% 2-3% है, लेकिन उनको कितना वोट मिला, उनको 3 सीट मिल गया। और जब बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से ज्यादा है, उनको मात्र 2 सीट। भाई किस चीज का जाति समीकरण, ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ परिवार में अपनी पार्टी को समेट के रखना चाहते हैं। जो रोहिणी आचार्य हमेशा सिंगापुर में रहती है, वो बिहार के लोगों को और सारण के लोगों से कैसे चुनाव लड़ पाएगी? भैया अभी हम पूर्णिया में मौजूद हैं और यह वही पूर्णिया है जहां पे पप्पू यादव इलेक्शन में निर्दलीय खड़ा होकर के यहां का राजनीतिक समीकरण जो है पूरी तरीके से बदल दिए हैं। आज जो है कि चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था और चुनाव प्रचार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पप्पू यादव के समर्थन में पहुंचे थे। 26 तारीख को यहाँ पर वोट पड़ेगी, किसके पक्ष में कितना वोट गिरेगा वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी तक का माहौल क्या कहता है, कौन यहाँ से विजयी हो रहा है, बातें करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। अजमेर जी, यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, पूर्णिया किसको इस बार जिताना चाहती है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ से पप्पू यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ का एक एक किसान, एक एक युवा, एक एक छात्र, एक एक नौजवान और एक एक महिला, एक एक दलित, एक एक अल्पसंख्यक और एक एक नौजवान, यहाँ एक एक गरीब और ठेला रिक्शा वाले लोग जो पिछले 10 वर्षों में अत्याचार और भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ऐसे लोगों के खिलाफ वो लोग पप्पू यादव जी के हाथ को मजबूत करने के लिए और ऐसे फिरका परस्त पार्टियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वैसे लोग आकर के पप्पू यादव का विरोध भी कर रहे हैं यहाँ पे कि पप्पू यादव को वोट नहीं देना है, भले मोदी को दे दीजिए, तेजस्वी यादव को सुनिए। यह जो भी लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं इसको CBI ED का डर है। ये लोग पूर्णिया के लोगों को बदनाम करने का साजिश किया है, ये लोग पूर्णिया के नौजवानों को पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, ये लोग पूर्णिया के मतदाताओं को अपमान करने का काम किया है। 26 तारीख को ऐसा EVM का बटन दबाएंगे कि ऐसे नौवीं फैल तेजस्वी जैसे उनके समर्थकों को यहाँ से वैसे ही भगाएंगे जैसे आज़ादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अरे यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरा पिताजी किसी के सामने नहीं झुके, हम भी नहीं झुके। वो निश्चित रूप से सही कहा, उन्होंने किसी के सामने झुका या नहीं झुका, लेकिन पप्पू यादव जी से जरूर डर गया है कि आज वो सामने में मंच से सीधा कर रहे हैं कि आप एक तरफ या तो NDA को वोट दीजिए या इंडिया को दीजिए, लेकिन पप्पू यादव जी को नहीं दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव जी ने कोरोना काल में, पप्पू यादव जी ने पटना के बाढ़ में, पप्पू यादव जी ने बिहार के सीमांचल के, कोसी के, पूर्णिया के टोला हो, गली हो, मोहल्ला हो, एक एक गांव में लोगों के लिए, हमारे लिए और हम सब के लिए और आप सब के लिए आवाज उठाने का काम किया है। आज तेजस्वी को लालू यादव जी को हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और पत्रकार महोदय, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, समाज का आईना है, और लोकतंत्र में जनता मालिक है, और इस मालिक हमेशा से पूर्णिया के लोग, सीमांचल के लोग बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहता है, और ऐसे लोगों से मुक्ति चाहता है, और ऐसे लोगों को भगाने के लिए हम लोग संकल्प ले लिए हैं, ठान लिए हैं, इरादा कर लिए हैं, मजबूत इरादा है। हम लोग यहाँ से पप्पू यादव जी को पूर्णिया से सांसद बना करके दिल्ली भेजने का काम करेंगे, ताकि पप्पू यादव जी हमारे लिए और आप सब के लिए दिल्ली में फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब दे सके। आज वो विधायक और सांसद नहीं है तो सड़क पर सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और अच्छाई के लिए लड़ाई लड़ते हैं। अगर कल वो सांसद बन गए तो हम लोगों के लिए, सीमांचल के लिए, किसानों के लिए, वो सदन में भी फिरका परस्त पार्टियों को
से लड़ेंगे और हम लोगों के आवाज को बुलंद करेंगे। एक जरूरी सवाल, लालू परिवार को, तेजस्वी परिवार को आखिर पप्पू यादव से क्यों डर है? क्या डर है कि इनके पीछे हाथ धो के पड़ गए? हमने आपके न्यूज चैनल के माध्यम से पहले कह दिया कि ये लोग डर गए हैं। शिव देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मोदी के कठपुतली पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिन पहले मोदी के कठपुतली पुलिस ने झारखंड के दलित मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मोदी जी के कठपुतली पुलिस ये लालू यादव जी को, तेजस्वी को जा रहे थे गिरफ्तार करने, लेकिन ये अंदर से मिल गए क्योंकि इसको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ बिहार का सत्ता चाहिए, इनको सत्ता की भूख लगी है। और सत्ता और लालू यादव और राजद परिवार हमेशा से राजद और ये लालू यादव और मुसलमान विरोधी है। उन्होंने मरहूम साहबुद्दीन के परिवारों को अपमान करने का काम किया है। उन्होंने वहां पर अररिया में ये भाई भाई को लड़ा दिया। उन्होंने पूर्णिया के जनता को पीठ में चूड़ा भोंक करके पप्पू यादव जी के समर्थक और उनके चाहने वाले को पीठ में घंजर भोंकने का काम किया। ऐसे लोगों को हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे, आने वाले समय में हम लोग भगाने का काम करेंगे। एक और जरूरी सवाल, जातीय जनगणना से पहले ये ऐलान हुआ था कि जितनी जाति रहेगी उसके हिसाब से सीट दिया जाएगा। 14% मुस्लिम है, 17% यादव है, उसके हिसाब से कहां सीट मिला? बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से ज्यादा है और बिहार में मल्ला की संख्या सहनी की संख्या 2-3% है, लेकिन उनको कितना वोट मिला? उनको 3 सीट मिल गया। और जब बिहार में मुसलमानों की संख्या 17% से ज्यादा है, उनको मात्र 2 सीट। भाई किस चीज का जाति समीकरण? ये लोग परिवार की राजनीति करते हैं, ये लोग सिर्फ परिवार में अपनी पार्टी को समेट के रखना चाहते हैं। और मीसा भारती जो लगातार 3 बार से वो हार रही है, ऐसे लोगों को जबरदस्ती टिकट दे करके थमा दिया गया है। जो रोहिणी आचार्य हमेशा सिंगापुर में रहती है, वो बिहार के लोगों को और सारण के लोगों से कैसे चुनाव लड़ पाएगी? आज वो फोटो खिंचाने के लिए, मीडियाबाजी करने के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन जनता इस बार लोकतंत्र के माध्यम से इनको बेवकूफ बनाने का काम करेगी। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार और सीमांचल और पूर्णिया वासियों को खास करके अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग लोकतंत्र के को अगर समझते हैं, संविधान को मानते हैं, तो प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया, आदाब पूर्णिया, नमस्कार पूर्णिया, लड़ेंगे पूर्णिया, जीतेंगे पूर्णिया के साथ पप्पू यादव जी के समर्थन में। पप्पू यादव जी के समर्थन में EVM के क्रमांक संख्या 6 पर ऐसा बटन दबाइए ताकि ये फिरका परस्त पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को मुंह तोड़ जवाब मिले और पप्पू यादव जी हम सब के लिए और आप सब के लिए आवाज बन सके। पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव, यहाँ पे जो मामला चल रहा है वो काफी गंभीर हो चुका है। एक तरफ तेजस्वी यादव जो है कि अपने पार्टी को तो जिताना तो चाहते नहीं है, वो चाहते हैं कि NDA जीत जाए, लेकिन यहाँ पे निर्दलीय प्रत्याशी यानी पप्पू यादव को हराना भी चाहते हैं, यानी वो समझ में नहीं आ रहा किस तरह का यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। यानी इससे ये लगता है कि उनको लोकसभा चुनाव से कोई मतलब दिख नहीं रहा है, इसीलिए जो है कि डायरेक्टली NDA को सपोर्ट कर रहा है। बाकी पूरे देश में 543 लोकसभा सीट है और उसमें पूर्णिया सबसे बड़ा हॉट सीट बना हुआ है। भाई अगर ये पूर्णिया पप्पू यादव जीत गए तो देश के इतिहास में सबसे बड़ा ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मतलब कि इनका नाम दर्ज हो जाएगा और बहुत बड़ा ये फैसला लिख करके सामने आएगा। बाकी लोकसभा चुनाव के बारे में, पुड़िया के बारे में आपका क्या विचार है, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।